तो नमस्कार, आज हमारे YouTube चैनल में जो जानकारी दी जा रही है पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों के बारे में दी जा रही है। और हमारे चैनल में आज उपस्थित है दुर्गादास राठकर जी। दुर्गादास जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पीतमपुर पूर्व जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई भी कहते हैं, यहाँ लगभग कितनी कंपनियाँ हैं? पीतमपुर के अंदर लगभग लगभग कम से कम 1000 कंपनियां तो है ही है। जी जी, तो इसमें इन 1000 कंपनियों में किस किस टाइप से कंपनियां हैं, यहाँ पे क्या क्या उत्पादन को लेकर बनी है यहाँ पे कंपनियां? पीतमपुर में जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, सेक्टर एक में सबसे पुरानी कंपनी है दारू की। जी, और ऐसे बहुत सारे प्लांट है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जी, प्लाईबोर्ड की कंपनी है जी, और गारमेंट लाइन है, मेडिकल लाइन है जी, और फ्रूट प्लांट्स है जी, और कास्टिंग लाइन है, बहुत सारे प्लांट है। तो इनमें इतनी सारी कंपनियां है पीतमपुर में, तो लगभग कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे आके जॉब करते होंगे आपकी? पीतमपुर में तो हर जगह के लोग है, मतलब भारत के सभी राज्यों के लोग देखने को मिल जाएंगे। सभी राज्यों के मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें ये काम का क्या टाइम होता है, इसमें नौकरी का कब कब चालू रहती है कंपनियां? पीतमपुर 2400 घंटे चालू रहता है, सुबह 6 बजे से शिफ्ट चालू हो जाती है लोगों की जी। हर कंपनी की अलग अलग शिफ्ट रहती है, जैसे 8 से 4:30 रहती है, 7 से 3:30 रहती है, और सेकंड शिफ्ट रहती है 4 से 12, किसी कंपनी में 4:30 से 12 रहती है, और नाइट शिफ्ट रहती है 12 से सुबह 8, किसी कंपनी में 11 से सुबह 7 रहती है। तो एक और प्रश्न है हमारे मन में कि यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं, इसमें कुछ नगद में भी कुछ कंपनियाँ काम देती है क्या? जैसे कोई व्यक्ति आ गया गांव से और उसके पास के पैसे ख़त्म हो गए, उसके पास मतलब खाने की भी व्यवस्था नहीं है, तो वो कोई कंपनी जाकर उसको खाना भी मिल सकता है या फिर कैंटीन में, और उसको पैसा भी मिल सकता है काम करने के बाद? सारी कंपनियाँ हैं, ऐसी कंपनियाँ तो फ्लेक्सीटॉप नगद में दिया जाता है वहाँ पे जी। अर्निल कंपनी अभी एक लोहा प्लांट है जिसमें लोहा लाइन कंपनी है वो जी जी, उसमें भी नगद में दिया जाता है जी। 3 नंबर में ब्रगर वार्फ इंडिया लिमिटेड है जी, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें नगद में पैसा दिया जाता है। और नगद के लिए पीतमपुर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खड़े रहने के बाद कोई ना कोई कंपनी के व्यक्ति आके मिल ही जाते हैं जो नगद के लिए लेके जाते? पीतमपुर में मेन चौराहा है आयसर चौराहा, वहाँ पर सुबह हजारों की संख्या में मिलेंगे, हजारों तो नहीं जी जी, अभी 500 के लगभग लगभग मजदूर मिलेंगे नगद वाले। अभी कोरोना की वजह से कम प्राप्त हो गए, लेकिन वैसे रहते हैं बहुत ज्यादा। और शाम के समय में भी वहीं पे मिलते हैं? शाम के समय कम रहता है, दिन में ज्यादा रहता है सुबह। जी जी, कुछ ऐसी कंपनियां बताएं जो पीतमपुर में बहुत ज्यादा बड़ी हो और जिनका नाम चलता हो पीतमपुर में। आयसर है जी, फोर्स मोटर है जी, और ब्रिजस्टोन टायर है, L&T है, पीवी स्टील लॉयड है जी, और नेशनल स्टील है, वो बगदून तरफ है, उधर आगे है जी जी। आयसर क्या क्या प्रोडक्शन बनाती है? आयसर ट्रक बनाती है जी जी, और फोर्स में क्या क्या निकलता है प्रोडक्शन? फोर्स में तूफान जी, और एम्बुलेंस बनाते हैं जी, जो भी मतलब फोर व्हीलर बनाती है जी जी जी। और पीतमपुर का कैसा कल्चर क्या है, कैसा वातावरण कैसा है? यहाँ पे तो हर प्रकार के लोग हैं जी, हिंदी भी बोलने वाले हैं, मराठी भी बोलने वाले हैं, निमाड़ी बोलेंगे, मतलब पीतमपुर में हर जगह के लोग हैं, तो हर भाषा का यूज करते हैं लोग जी। तो ऐसे ये बताइए कि पीतमपुर में वर्तमान में जॉब की क्या संभावना लग रही है, कैसा क्या चल रहा है, जो नए नए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या आपको संभावनाएं नजर आ रही है जॉब को लेकर? अभी तो थोड़ा कम है, रोजगार मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोरोना की वजह से जी जी। जो पुराने लोग हैं उनको भी निकाला जा रहा है, कई अब नई नई कंपनियां उसमें जरूरत पड़ती है तो वो ले भी लेती है, लेकिन कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें काम नहीं चल रहा है, उसमें से मजदूरों को निकाला जा रहा है जी जी। तो पीतमपुर में और जो नए लोग आते हैं तो ये नए लोगों के लिए कैसा क्या सुझाव है? जैसे कुछ लोग, किसी के यहाँ पे 2 एकड़ खेती है, किसी के यहाँ 3 एकड़ खेती है,
तो वो लोग तो जॉब पे आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी व्यक्ति के 10 एकड़ है, 15 एकड़ है, लेकिन कुछ लोग गांव में ऐसी सूचनाएं फैला देते कि वहाँ पीतमपुर में तो बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वहाँ तो बड़ी 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 सैलरी मिलती है। तो कैसा क्या सुझाव रहेगा जो गाँव से लोग आ रहे हैं, जो युवा साथी, जिसको अगर काम मिल गया सही साठ उसके लिए अच्छा है? और मैं तो कहता हूँ जो गाँव में कर रहे हैं और उनका चल रहा है, इधर वाले लोगों को देखकर गांव वाले बहके नहीं जी, क्योंकि इधर से लोग क्या करते हैं, इधर बिल्कुल गधा हमाली करते हैं, बैल जैसे काम करते हैं कंपनियों में, पूरा एकदम बहुत ये है जी जी, बिल्कुल तानाशाही है एक प्रकार की जी। और जिसके यहाँ जमीन नहीं है, जिसके यहाँ 2 एकड़ से कम जमीन है, पानी नहीं है जी, वो गरीब है, अब उसके पास इनकम नहीं है गाँव पे, उसका परिवार नहीं चला पा रहा है, वो ही पीतमपुरा है। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, वो आए तो पीतमपुर में किस तरह से जॉब प्राप्त कर सकते हैं? जॉब देखो, अगर बड़ी कंपनियों में वैकेंसी होती है तो कोई अप्रेंटिस के लिए रख लेती है, 2 साल 4 साल तुम्हारे बर्बाद होंगे जी, उम्र हो जाएगी, उसके बाद में कोई कंपनियां भर्ती नहीं लेती है, 30 साल के ऊपर उम्र हो जाती है तो हर कंपनी सोचती है कि इसको रख के करूँगा क्या, ये तो काम कर में थोड़ा कमजोर हो जाता है जी जी। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कोई सरकारी जॉब तो मिलने वाली नहीं है, इससे बढ़िया बिजनेस करे गांव पर ही रहकर जी जी। और बताइए पीतमपुर में कुछ आपके हिसाब से कि यहाँ अगर कोई आता है नया व्यक्ति तो कहाँ पे उतरे, या किस तरह से, किस माध्यम से आप ये जॉब उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करे हो? पीतमपुर में आता है तो डायरेक्ट आयसर चौराहे पे आए और अपने जो पहचान के हैं उनसे संपर्क करें। डायरेक्ट आकर क्या है, कोई कई लोग करते हैं, पेपर में छपा रहता है कि फलानी कंपनी में कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा फलाना ठिकाना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आकर किसी कमरे में बंद कर देंगे तुमको जी, कभी कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। इसके लिए अपने पहचान वाले से संपर्क करें और आ करके अपन खुद नौकरी ढूंढे, किसी के लफड़े में ना पड़े कि किसी के पेपर में आके या किसी ने कार्ड दे दिया कि यहाँ आए और कमरा देंगे ये देंगे, ऐसे लफड़े में ना पड़े। पीतमपुर में कम से कम 6 महीने हो जाए, उसके बाद में अपन खुद समझदार हो जाएंगे कि पीतमपुर में है क्या जी। मैं और एक सवाल पूछूंगा कि आप यहाँ पे मजदूर संगठन से जुड़े वाले हो, तो मजदूर संगठन में एक बड़ी हलचल नजर आ रही है कि कुछ कानून और श्रम कानूनों में परिवर्तन किया गया है, कुछ जो संभावनाएं भविष्य की श्रमिकों को लेकर, तो कैसा क्या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया है मजदूरों के अधिकारों में? उन्होंने तो 12 घंटे कर दिया है, अब क्या है, अभी कई कंपनियों में हो रहा है 12 घंटे, पहले से भी चल रहा है जी, और कई बहुत सारी कंपनियां जो अभी भी 8 घंटे ही चल रही है, उनने नियम तो चेंज कर दिए हैं जी जी, लेकिन अभी हो नहीं रहा है जी जी। लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है, आदमी 8 घंटे से ज्यादा काम करने के लायक रहता नहीं है, पूरा थक जाता है, कंपनी लाइन में हार्ड वर्क होता है जी, और 12 घंटे कर दिया जाता है तो बहुत शरीर में दिक्कत होती है, काम करने लायक नहीं रहता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो सुपरवाइजर भी नाटक करने लगते है कि यार तू आया नहीं, तेरा ऐसा नाटक है, ऐसा नहीं चलेगा, वो मतलब नौकरी फिर क्या खतरे में आने लगती है। और यहाँ तो धमकियां दे देते हैं कि भाई कल नहीं आया तो कल से आना मत, परसों से आना मत, बिल्कुल, तो ऐसे में थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है जी जी। और आपके संगठन से, जो मजदूर संगठन से जुड़े कोई लोग जिनसे अगर कोई श्रमिक कांटेक्ट करना चाहता है या फिर जुड़ना चाहता है तो किस माध्यम से जुड़ सकता है? हाँ, यहाँ पीतमपुर में हर संडे मीटिंग होती है जी, जिसमें आ सकते हैं और समझ सकते हैं क्या, और जिसके पास रोजगार नहीं है उसकी भी मदद की जाती है हमारे पास में जी जी। और इसमें मजदूरों के साथ में रहने से क्या है, थोड़ा पहचान बढ़ती है, और पहचान बढ़ने से अगर कोई बेरोजगार भी है किसी से परिचित हो जाता है आदमी, तो कहीं लगवाने के चांस रहते हैं।